जयपुर से खबर। पंचायती राज चुनाव के चौथे चरण का मतदान कल। 32 पंचायत समितियों, 897 ग्राम पंचायतों में चुनाव होंगे। 4,349 मतदान केंद्रों पर, आपको बता दें कि यहां पर मतदाता मतदान करेंगे। आज शाम तक मतदान केंद्र तक पोलिंग पार्टी पहुंचेंगी। चौथे चरण का मतदान कल है और ऐसे में जिस प्रकार से तीन चरणों के चुनाव हमने देखे हैं, खासा उत्साह के साथ लोग मतदान करने पहुंचे हैं और आज शाम तक मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टियां पहुंच जाएंगी। कल चौथे चरण का मतदान है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी लोकेश होला हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। लोकेश, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, कल चौथे चरण का मतदान है और ऐसे में पोलिंग पार्टियां भी आज शाम तक पहुंची जाएंगी, क्या अपडेट? देखिए मनीषा, बात करें तो पंचायत आम चुनाव 2020 के जो चार चरणों में शेष चुनाव हो रहे थे, उनका अंतिम चरण का जो मतदान है वो कल होने जा रहा है। अंतिम चरण के चुनाव कल होने जा रहे हैं। इसके बाद में 10 जो अक्टूबर को अंतिम चरण के चुनाव होंगे, जिसमें सरपंच पद और वार्ड पंच पदों के जो प्रत्याशी है उनके वोटिंग होंगी। इसके बाद में बात करें तो 11 अक्टूबर को अंतिम चरण के जो मतदान होंगे उसके लिए उप सरपंच के चुनाव किए जाएंगे। इसके तौर पर बात करें तो चौथे चरण में प्रदेश भर की 31 पंचायत समितियों में चुनाव हो रहे हैं, जहां प्रदेश भर की जो 874 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद चुने जाएंगे। साथ ही साथ बात करें तो 8,290 वार्डों में पंच चुने जाएंगे। इसी तरह आज सभी जो मतदान दल है, मतदान केंद्र है, वहां पर मतदान दलों की आज रवानगी की जा रही है। सभी मतदान केंद्रों पर मतदान दल पहुंचे और कल सुबह 10 अक्टूबर को सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक मतदान होगा। उसके बाद में मतगणना होगी। ईवीएम के जरिए इस बार सरपंच पद के जो चुनाव हो रहे हैं, जो जिसमें समय बहुत कम लग रहा है मतगणना में। इसके बाद में बात करें तो जो वार्ड पंच जो पद है, जो पंच के जो पद है, उसके लिए बैलेट पेपर के जरिए जो चुनाव है वो करवाए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बीच में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश दिए गए थे कि अक्टूबर माह के अंदर, यानी कि 15 अक्टूबर से पहले सभी जो पंचायतों के जो चुनाव है वो करवाए जाए, और उसी के तहत ये जो चुनाव है वो करवाए जा रहे हैं। चौथे चरण का जो अंतिम चरण, यानी जो कहा जा सकता है, उसके चुनाव कल 10 अक्टूबर को होंगे, जिसमें प्रदेश भर की जहां 874 ग्राम पंचायतों में चुनाव हो रहे हैं। इसी तरह बात करें जयपुर में, तो जयपुर की 4 पंचायत समितियों में चुनाव हो रहे हैं, जहां 107 ग्राम पंचायतों के अंदर सरपंच पद के जो चुनाव हो रहे हैं। साथ ही साथ बात करें तो 1,067 जो वार्ड है वहां पर पंचों के लिए चुनाव हो रहे हैं। 4 पंचायत समितियों के लिए जयपुर से, यानी कि जहाँ एक तो भवानी निकेतन और जामिया विश्वविद्यालय से, जो सभी कॉलेजों के, जो इन दोनों कॉलेजों से जो मतदान दल है वो आज रवाना हो रहे हैं। सुबह तकरीबन 8 बजे से मतदान दल रवाना हो रहे हैं और देर शाम तक के सभी मतदान केंद्र है वहां पर जो मतदान दल है वो पहुंच जाएंगे और सुबह तकरीबन 7:30 बजे से जो मतदान है वो शुरू हो जाएगा। सुरक्षा के बीच में, कोरोना संक्रमण के बीच में जो मतदान हो रहा है उसको लेकर निर्वाचन विभाग की ओर से और जिला निर्वाचन विभाग की ओर से पूरी तरह से तैयारियां है वो की जा चुकी है। और इसी बीच जहां जो मतदाता है वो पहुंचेंगे, उसको पहले सैनिटाइज किया जाएगा, बिना मास्क के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा और पूरी सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए ही वोटिंग है वो करवाई जाएगी। इसको लेकर आज जो निर्वाचन अधिकारी है वो मतदान केंद्रों पर भी जाएंगे, मतदान दल रवानगी स्थल है वहां पर भी पहुंच रहे हैं और वहां का जायजा ले रहे हैं। कोरोना संक्रमण के दौरान पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग हो, कोरोना से आम जनता को बचाया जा सके और शांतिपूर्वक जो चुनाव करवाएं वो भी हो, इसी को ध्यान में रखते हैं। पूरी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। पोलिंग पार्टियों के पास में जहां मतदान दल है वहां पर एक महिला कांस्टेबल और एक पुरुष कांस्टेबल, दो यानी पुलिस कांस्टेबल लगाए गए, जवान लगाए गए, ताकि किसी तरह की जो अनहोनी नहीं हो, घटना नहीं हो, इसको लेकर विशेष ख्याल है वो रखा गया है निर्वाचन विभाग की ओर से। और जो पंचायत चुनाव के जो आम चुनाव हो रहे हैं उसका जो अंतिम चरण का चुनाव, यानी कि फाइनल जो चुनाव है वो कल संपन्न
संपन्न हो जाएंगे। इसके बाद में 11 अक्टूबर को इन सभी जो जो पंचायतें हैं वहां पर उप सरपंच के चुनाव होंगे और उसके बाद में सभी इनकी जो शांतिपूर्वक जो चुनाव है करवाई जा रहे हैं। हालांकि बात करें तो जिस तरह से पूर्वी राजस्थान के कुछ जिले हैं वहां पर छुटपुट घटनाएं हैं देखने को मिली, लेकिन राजधानी जयपुर है, जयपुर की बात करें तो जयपुर के जो ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहां पर पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से जो चुनाव संपन्न करवाए जा रहे हैं। अब तक तीन चरणों के जो चुनाव है जहां किसी तरह की जो ऐसी घटना है वो सामने नहीं आई, अब चौथे चरण के चुनाव को लेकर भी निर्वाचन अधिकारी लगातार सतर्क नजर आ रहे हैं। जो संवेदनशील मतदान केंद्र है वहां पर अतिरिक्त जाब्ता है वो लगाया गया है ताकि किसी तरह की जो घटना नहीं हो और शांतिपूर्वक जो चुनाव है वो संपन्न करवाया जा सके, इसका विशेष ध्यान है वो रखा जा रहा है। जी मनीषा जी बिल्कुल लोकेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो हमारे सहयोगी ने जिस प्रकार से बताया कि तमाम तरह की तैयारियां कर ली गई हैं और आज शाम तक मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टियां पहुंच जाएंगी, कल चौथे चरण का मतदान होना है।